यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बैठक ली। ये बैठक 2019 के चुनावों के मद्देनजर बुलाई गई थी और इसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल समेत मनोहर कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रदेश के तीनों केंद्रीय राज्य मंत्री भी शामिल रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा प्रभारी अनिल जैन और हरियाणा बीजेपी के तीनों महामंत्री बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में 2019 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई और इस बैठक में सभी विधायकों और मंत्रियों को सभी जिलों में कार्यालय बनाने के आदेश दिए गए। साथ ही अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के भी आदेश दिए गए। उसमें खास करके जो पार्टी का संगठनात्मक हमारी रचना है, प्रदेश स्तर से लेकर के मंडल और बूथ की इकाई, फिर पार्टी के मोर्चा और प्रकोष्ठ, उसकी प्रांत से लेकर के मंडल तक की इकाई, विभाग और प्रकल्प जिनका गठन प्रांत में होना था या जिनका जिले में होना था, उनकी चर्चा हुई और जो काम खास करके हमारे विधायकगण मंत्रीगण को दिए थे, एक एक विधानसभा जो हमारी हारी हुई है उसके ऊपर चर्चा हुई और जो हमारे बूथ स्तर पे सोशल मीडिया को मजबूत करने के लिए जो एक टारगेट दिया था उसके ऊपर भी चर्चा हुई कि हमारी जो बूथ स्तर तक की एक्टिविटी है, मंत्रीगणों और विधायकगणों को जो विधानसभा दी गई है या फिर जो हमारे प्रभारी मंत्री, जो जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, उनका जो प्रवास रहता है और उस प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों के साथ बैठक करके एक किस्म से कार्यकर्ताओं का जो तालमेल समन्वय बनाने का जो काम दिया गया था उसमें और ज़्यादा गति लेकर के आए, इस बात का उन्होंने निर्देश भी हमें दिया है। इस बैठक में एक बात और, आगामी क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है बात कहने में, आगामी लोकसभा चुनाव तक किस प्रकार का एक राजनीतिक मोमेंट लिया जाए इस बात के ऊपर भी चर्चा आई है और आगामी कुछ दिनों के बाद ही एक और इस प्रकार की बैठक करके उसमें आगे की रणनीति के ऊपर विचार किया जाएगा, इस बात पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उसमें, उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आएंगे।